अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कहाँ हैं? हेलो हेलो गाइस, हेलो हेलो गाइस, कहाँ हैं आप लोग? हाय, हाउ आर यू शेर अली खान? कैसे हो? हेलो हाय ताहिर अबानी, हाय थैंक यू सावन साईं, थैंक यू गाइस। आप लोगों को पता है आज इतना बड़ा हादसा हुआ है हमारे मुल्तान में। हमारी मॉडल थी कंदील बलोच, जिनकी डेथ हो गई है, मर्डर हुआ है जिनका। और मैं चाह रही थी कि आप सब मिलके उनके लिए दुआ करो कि अल्लाह उनकी माफ़रत करे और जन्नत में आला मकाम मिले उनको, और उनके जो भी दुश्मन हैं उनको जल्द जल्द सज़ा मिले और वो पकड़े जाएं। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट थी कि आप सब मिलके दुआ करें उनके लिए, उनकी माफ़रत के लिए। ये जो हुआ है ये बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है इंसान, जैसा भी है, उसका अपना है, आगे अल्लाह ताला को उसने खुद ने जवाब देना है। तो हम लोग या जो है ना बहन भाई या दूसरे कौन होते हैं सज़ा देने वाले या पूछने वाले कि क्या है क्या नहीं। सो आप लोग दुआ करें प्लीज़। आमीन आमीन, थैंक यू कि अल्लाह उनकी माफ़त करे और जिसने भी मारा है, जो भी उनका दुश्मन है, वो जल्द जल्द पकड़ा जाए। सावन साई, थैंक यू, आपने दुआ की, थैंक यू सो मच। और मैं एक बार फिर कहूँगी कि प्लीज़ आप सब लोग दुआ करें उनके लिए, उनकी माफ़रत के लिए। शेर अली खान, थैंक यू। हाजी एहसान जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाजी एहसान, आई थिंक आप सऊदीया में हैं, अल्लाह के घर में रहते हैं, तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा। हमारी जो है ना कलीग थी कलीग बलोच, अल्लाह उनकी माफ़रत करे और उनको जो है ना जन्नत में आला मकाम हो उनका, और जो उनके दुश्मन हैं, जिन्होंने मारा है, मर्डर किया है, कातिल है जो, वो बहुत जल्द पकड़ा जाए। आमीन है हाजी एहसान साहब, थैंक यू सो मच। और आप लोग कैसे हैं? ठीक है। Uh,
जी आवाज़ नहीं आ रही, मैं ऊंचा ही बोल रही हूँ। गौरी साहब आपको, मकसूद साहब आपको आवाज़ नहीं आ रही, अब आ रही है? मोहम्मद नदीम जी हाय, हाँ आप कैसे हैं नदीम साहब, ठीक हैं आप? आबिद हुसैन गिल जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट मैं आज बहुत सैड हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो आज हुआ है ये बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी काफ़ी आर्टिस्ट हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, मार दिया गया है, कुछ कर दिया गया है, तो आई थिंक ये बहुत बुरा है, और जो भी कर रहा है बहुत बुरा कर रहा है इस तरह। और मेरी आप लोगों से दुआ है कि प्लीज़ आप सब दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे और उनकी माफ़रत करे, और जो भी उसके कातिल हैं जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ये भयानक काम किया है, वो बहुत जल्द पकड़े जाएं और उनको बहुत ही बुरी सज़ा मिले उसको। मकसूद सॉरी मुझे आपका नाम ही नहीं समझ आ रहा, मुस्तक क्या हुआ है जी? हमारी आर्टिस्ट थी जो है ना कंदील बलोच, जिनका आज मर्डर हुआ है, ये तो पूरी दुनिया में जो है ना फैल गई है, न्यूज़ चल रहा है चैनलों पे, और आप कह रहे हैं क्या हुआ आपको पता ही नहीं है। वकार मुगल थैंक यू सो मच। हाजी महर मैं किसको जानती हूँ ये समझ नहीं आया। रहमान साहब वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? आमीन जी आमीन, अल्लाह उनकी माफ़रत करे, आमीन। मैं यही कह रही हूँ आप सबसे कि आप दुआ करें प्लीज़। आरिफ गुल थैंक यू, आमीन आमीन, अल्लाह उनकी माफ़रत करे, आमीन। और आप लोग कैसे हैं, ठीक हैं, क्या हो रहा है? मेरी तो दुआ है यार अल्लाह हर किसी को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, कभी भी किसी को कोई टेंशन कोई दुख तकलीफ ना आए। हम दोस्त एक दूसरे के लिए दुआ किया करें, दुआओं से जो है ना मौत के अलावा हर चीज़ टल जाती है, सुना है? तो प्लीज़ आप लोग एक दूसरे के लिए दुआ किया करें, ताकि इस तरह के जो वाक़े हैं या परेशानियाँ हैं या इस तरह की जो दुख तकलीफें आती हैं वो हमसे दूर ही रहे। आबिद हुसैन थैंक यू जी। मोहम्मद सुहेल मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बख्श वालेकुम सलाम।
समझ नहीं आई आप क्या कह रहे हो। आप क्यों जी? नयर हुसैन क्या हुआ? मैंने अभी बताया है कि हमारे जी मैं मुल्तान की हूँ। कुछ तो बोलो, बोल रही हूँ। डियर फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट थी कि हमारी जो है ना मुल्तान की आर्टिस्ट थी कंदील बलोच, उनका आज मर्डर हो गया और बहुत दुख की बात है कि हमारी काफ़ी जो आर्टिस्टें थी उनके साथ ऐसा ही हो रहा है। तो मैं यही रिक्वेस्ट कर रही थी आप लोगों से कि आप प्लीज़ दुआ करें उनके लिए, अल्लाह उनकी माफ़रत करे, और जो उसके दुश्मन हैं जो जिन्होंने मर्डर किया है वो बहुत जल्द पकड़े जाएं और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले उन्हें। खालिद हुसैन, मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं इस टाइम सैड हूँ काफ़ी। ये कोई खुशी की बात तो है नहीं कि मैं हंस हंस के आपके साथ लाफ्टर दूँ और आपसे बातें करूं, गपशप करूं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। इतना बड़ा सानिया हुआ है और बहुत सैड न्यूज़ है, तो आई थिंक नर्वस नहीं हूँ, सैड हूँ। तो हमें इतनी तो टेंशन होनी चाहिए, अगर हमारा किसी से ताल्लुक़ नहीं है, हम किसी को मिलते नहीं हैं या जो है ना जानते नहीं हैं, बट इंसानियत का नाता तो है ना हमारा, तो उस नाते से हम जो है ना दिली अफसोस तो कर सकते हैं। फजल फजल, आप सऊदीया में रहते हैं, वालेकुम सलाम, आप भी दुआ कीजिएगा हमारी आर्टिस्ट के लिए जिनकी आज डेथ हो गई है, मर्डर हो गया, अल्लाह उनको जन्नत में मकाम दे आला, और उसके जो दुश्मन है वो जल्द जल्द पकड़े जाएं और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। फरियाद अली, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप सुनाएं आप कैसे हैं? नुमान अली, यस, बहुत ही बैड न्यूज़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मलिक से भी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आपका क्या हाल है? जी जी नुमान अली, दुआ ही चाहिए क्योंकि इस टाइम उनको तो कुछ नहीं चाहिए दुआओं के अलावा ना, हमारी दुआओं की ज़रूरत है और मरे हुए के लिए हम दुआ ही कर सकते हैं। तो सो प्लीज़ माय ऑल फ्रेंड, आप लोग सब दुआ कीजिएगा उनके लिए कि अल्लाह उनकी माफ़रत करे। बिलाल जी, मैंने कोई अपना हाल नहीं बनाया हुआ, मैं सिंपल बैठी हूँ, अभी मैं वहाँ से होके आई हूँ, तो डेफिनेट ऐसा माहौल देख के काफ़ी तकलीफ़ होती है। ज़रूरी नहीं है कि हमारा कोई अपना ही दुनिया से जाए या उसके साथ ऐसा हो तो हमें तकलीफ़ हो, इंसानियत के नाते जो है ना इतना तो होना चाहिए कि किसी की तकलीफ़ को देख के, दर्द को देख के महसूस तो कर सकते हैं ना।
बिलाल जी, थैंक यू सो मच। हेलो जी, हाय। रहमान अली, थैंक यू, आमीन, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी दुआ देने के लिए। बिल्ला जी, बिल्ला बिल्ला, जी मैं ठीक हूँ। यस, आई नो दैट के जो है ना गवर्नमेंट सीरियस एक्शन ले रही है, बस यही हम भी दुआ कर सकते हैं कि जल्द से जल्द वो बंदा पकड़ा जाए जिसने ये घटिया हरकत की है, और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मलिक जेबी साहब, काम हम अच्छे करें या बुरे करें हम तो नहीं जो ना बता सकते, ना आप हमें बता सकते हैं कि हम अच्छे हैं या बुरे। ये अल्लाह ताला ही जानते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। हम जो ना गुनाहगार लोग किस चीज़ का हिसाब रख सकते हैं, ये तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अच्छे अमाल करोगे तो अच्छाई मिलेगी, ये उस मालिक की और उस ज़ात को पता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। हर इंसान कोशिश करता है, क्योंकि हर इंसान ने ही मरना है और हर किसी ने इस दुनिया से जाना है, तो हर इंसान अपने अगले जहान की भी सोचता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि जो है ना अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। ये अल्लाह पाक को पता है, हमें नहीं पता। हम क्यों किसी को कहें ना, हम जो है ना मौलवी हैं, ना ही जो है ना हम कोई जो है ना कारी हैं कि फतवे जारी करें। हम यहाँ फतवा जारी करने के लिए नहीं बैठे, हम सिर्फ दुआ करने के लिए बैठे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट की है कि आप दुआ करें। देखे ना, हमारे जो है ना अमजद साबरी साहब थे, ठीक, नुमान अली साहब आपने ठीक कहा कि उनका भी मर्डर हुआ इन्हीं कुछ दिनों पहले। तो ये जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, और इसका ये मतलब नहीं है कि किसी के अमाल बुरे होते हैं तो उसके साथ ऐसे होता है, ये हम नहीं कह सकते। और हमें सिर्फ दुआ ही करनी चाहिए, ना कि हम जो है ना यहाँ फतवे जारी करें। फजल महमूद साहब, कंदील बलोच का मर्डर हो गया, उनकी आज डेथ हो गई है। तो आप लोगों से दुआ के लिए जो ना अपील थी कि आप लोग दुआ करें। मेरे ख्याल में कैसा हुआ मैं ये नहीं जानती, बट मैं गई थी उनके घर वालों का, और वहाँ का यही कहना है कि जो ना उसके भाई ने मारा है, सगा भाई है उसका, उसने मारा है। तो तकिया दे के गला दबा के मारा गया उसको, बट अभी सही रिपोर्ट तो नहीं आई, क्योंकि बाकी जो टेस्ट वगैरह हो गए हैं, कुछ लाहौर गए हुए टेस्ट वो होने हैं, उससे पता चलेगा कि मे बी उसको कोई नशीली चीज़ या कोई जहर दे के मारा है, ये क्या हुआ है। अभी सही रिपोर्ट नहीं आ रही। आप लोग भी न्यूज़ देखें, टीवी पे हर चीज़ बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, बाकायदा उनका घर दिखाया गया है।
और उसके घर वालों को दिखाया गया, सब कुछ दिखा रहे हैं, आप भी देखें। यस आई नो, बट जो भी है नुमान अली, देखो उसको फील्ड में आए हुए काफ़ी अरसा हो गया था, वो भी अब की तो नहीं आई थी ना इस फील्ड में, कि उसके भाई ने कहा कि जी अब जाके उसने ये कर दिया वो कर दिया तो उसने कत्ल कर दिया उसका, इतने अरसे से भी तो वो काम कर रही थी ना, तो भाई को पहले गैरत आनी चाहिए थी जब वो फील्ड में आई थी। सवाब आफरीदी, आपका नाम ले, आप कुछ लिखोगे तो नाम लेंगे ना। डेफिनेट जी मलिक जेबी साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप, अल्लाह ताला ने ही फरमाया है कि कौन जन्मी है कौन जनती है वो ही जानते हैं, बट अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि दुआ करने से ही सब कुछ मिलता है, तो प्लीज़ हम दुआ कर दें उनके लिए, हम और तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, को बहुत कम भाई ऐसे होते हैं जो बहनों की हिफाजत करते हैं। थैंक यू नुमान अली, थैंक यू, मैं अपना ख्याल ही रखूँगी, ऐसी बात नहीं है, बट आज बहुत सैड थी, बहुत अपसेट हूँ और एक शौक सा लगा है देख के उनके घर का माहौल और वो सब कुछ। खान जी जी हाय हेलो, आजम रजा जी हाउ आर यू, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं किसी टीवी में रिपोर्टर बन जाऊँ? अच्छा क्यों, मेरी ये बातें आपको बुरी लग रही हैं? आफरीदी शोएब अली, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? हाशिम मलिक साहब बड़ी बात है आपकी, चले मुझे लगता है अगर आपको ये लगता है ना कि हर किसी को ऐसी ही भाई मिले बहन को, तो आप भी ऐसे ही होंगे, मुझे तो यही लग रहा है। वेरी बैड मलिक हाशिम, वेरी बैड। ओके जी, मैं मुल्तान से हूँ, आजम रजा मुल्तान से हूँ, यूसुफ रजा सलाम, वालेकुम सलाम। लाडला मलिक, मैं बात नहीं करना चाहती तो मैं और क्या कर रही हूँ, यहाँ बैठ के बातें ही कर रही हूँ। मैं सच ज्यादा बोलती हूँ। बस मेरी यही एक बुरी बात है कि मैं सच बोलती हूँ। मोहम्मद जफर जाम, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।
ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे लिए टाइम निकाला, बट एक दफ़ा फिर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग सब दुआ कीजिएगा कंदील बलोच की माफ़रत के लिए, और ये दुआ कीजिएगा कि उसका कातिल जल्द जल्द पकड़ा जाए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। थैंक यू सो मच। मेरी दुआ है आप सब लोग लोगों को अल्लाह अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, और हमेशा आप ऐसे हंसते और मुस्कुराते रहें, और प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, गुड बाय।